जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नए इंस्टीट्यूट के रिव्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग अलग पैरामीटर्स पे। इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं एनएससीसी का। कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपसे बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे हैं। जो भी प्रोस एंड कॉन्स होंगे दोनों हम आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। चलिए तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट का एक ब्रीफ ओवरव्यू। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो 1998 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये टेक्नो सिटी पंचपोडा में लोकेटेड है, गड़िया, कोलकाता वेस्ट बंगाल। प्राइवेट है, ये मकाउच से एफिलिएटेड है, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ये एफिलिएटेड है ये इंस्टीट्यूट। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है आज का हमारे इस वीडियो का कंटेंट। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिविटी को। उसके बाद देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड, कौन सी कोर्सेज ये इंस्टीट्यूट हमें ऑफर करती है। साथ में मोड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है, कोर्सेज जो पर्टिकुलर उनमें क्या क्या ब्रांचेस होंगे, ब्रांचेस उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट्स कैसी ऑफर करती है, वो कट ऑफ क्या रहने वाला है, प्रोज एंड कॉन्स, ये सब कुछ हम आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। साथ में हम अपना पीओवी भी आपसे शेयर करेंगे, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि एज ए स्टूडेंट हमारा क्या चॉइस, हमारा क्या प्रेफरेंस होता। चलिए तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है इसका कनेक्टिविटी। अगर हम इस इंस्टीट्यूट का बात करें तो इस इंस्टीट्यूट की कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी है। नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है। साथ में जो हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है उससे 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और जो सियालदह रेलवे स्टेशन है उससे 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कैंपस की फैसिलिटीज को, लाइब्रेरी कैसी होने वाली है वो, लेबोरेटरीज कैसे होने वाले हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इसकी अच्छी होगी, साथ में इसमें ऑडिटोरियम है, बैंक्स एंड एटीएम भी इसमें अवेलेबल, बैंक और एटीएम की फैसिलिटी भी है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंपस फैसिलिटीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। लैब मिलने वाला है जैसे मैंने आपको बताया, साथ में जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो इसका कैंपस है, कैंपस क्या है इसका, ब्रॉड नहीं है, इसका कैंपस ब्रॉड नहीं है, जिसके कारण स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको, स्पोर्ट्स के सेक्टर में आपको उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर गेम्स अवेलेबल है, उनके इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है, लेकिन वाइडर लेवल पे अच्छी स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करती है ये इंस्टीट्यूट। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोर्सेज कौन कौन सी इंस्टीट्यूट हमें ऑफर करती है। अगर हम देखें तो ये हमें बीटेक, एमटेक, बीसीए, बीबीए, बीएचएम, ये सारी कोर्सेज ये इंस्टीट्यूट हमें ऑफर करती है। साथ में बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस ये इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अपना मेजर फोकस बीटेक ही रहने वाला है, अपना मेजर फोकस बीटेक रहने वाला है। तो बीटेक के अंडर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो ये सारी कोर्सेस ये इंस्टीट्यूट हमें बीटेक के अंडर में ऑफर करती है। अगर आपका इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप टेक्नो के लिए जा सकते हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो इस स्लाइड से। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है हमारे दिमाग में मेजर, पहला कि फी क्या होने वाला है, दूसरा प्लेसमेंट। तो फी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम एडमिशन लेने से पहले कंसीडर करते हैं। अब देखो लो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फी है जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे इसकी फी कम नहीं होने वाली, उतना भी कम फी ये इंस्टीट्यूट का नहीं चार्ज करती, यानी फी इसकी ठीक ठाक है। अगर हम पर ईयर बात करें बीटेक के लिए तो 1.45 लाख है इसका बीटेक के लिए। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं और भी यूनिवर्सिटीज वगैरह उनसे थोड़ी कम चार्जेस करती है, पर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ भी इसका फी बिल्कुल कम नहीं होने वाला, यानी इकोनॉमिकली साउंड अगर आप नहीं है बिल्कुल भी तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बीटेक लेटर के लिए 1.36, साथ में लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है, मैं आपको ये भी बताता चलूं। तो अगर आपका उन चीजों में लगता है कि आप लोन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो और भी कुछ, तो आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है, ईमेल भी उधर हमारा मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे। यानी कि आपका किसी तरह का डाउट है किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट। तो देखते हैं, ये बीसीए की भी फी हमने मैंने मेंशन कर दी है, बीएससी की भी, एमटेक की भी, एमबीए की भी फी हमने मेंशन कर दी है। एमबीए की फी यहाँ पे ज्यादा है बीटेक से काफी, तो सब कुछ मैंने प्रॉपरली मेंशन कर लिया है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 80% सीट्स, जैसे आप टेक्नो, मिन सॉल्ट लेक, इन सारे इंस्टीट्यूट, हेरिटेज,
हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब में जो 80% सीट्स होती है वो WBJEE के अंदर रिजर्व होती हैं, 10% जो सीट्स होती है वो JEE मेन के अंदर और 10% MQ यानी कि मैनेजमेंट कोटा। साथ में ये भी मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि आप मैनेजमेंट कोटा के क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय करते हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो, वो आपको एडमिशन लेने में हेल्प करेगी। साथ में आपको बता दूं कि एमटेक प्रोग्राम जो होता है उसका गेट के थ्रू एडमिशन होता है, तो इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाला है। मैंने कट ऑफ को दो बेसिस पे डिवाइड किया है, एक JEE के बेसिस पे और दूसरा WBJEE के बेसिस पे। तो JEE के बेसिस पे मैंने अलग अलग ब्रांचेस जो बीटेक के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब ब्रांचेस के लिए मैंने सेपरेट कट ऑफ इधर मेंशन किया है, इससे आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। बाकी आपका मेजर गोल होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा रैंक सिक्योर करना ताकि आपको अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा कट ऑफ रहने वाला है इसका WBJEE के बेसिस पे। तो ये भी मैंने कट ऑफ मेंशन कर दिया है, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो, वो प्रॉपर PDF प्रोवाइड कर देगी आपको। बाकी आप यहां से देख सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो कट ऑफ रिगार्डिंग। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट, इसका 60 लाख पर एनम गया था ऑफ कैंपस और एवरेज पैकेज भी इसका काफी अच्छा है, यानी 6.05 जो कि एक वेल एंड गुड, एक अच्छा एवरेज पैकेज है। तो इसका हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज अच्छा है, साथ में जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इस इंस्टीट्यूट की, प्लेसमेंट परसेंटेज वो भी अच्छी है, अप टू मार्क है इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज, तो वो बढ़िया होने वाला है आपके लिए। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह के रिक्रूटर्स इस इंस्टीट्यूट को में विजिट करती हैं। बायजूस तो चलो अब थोड़ा डाउन कर रहा है मार्केट में, फिर भी एक स्टैंडर्ड की कंपनी थी, अभी भी है, पर अब थोड़ा इसका मार्केट वैल्यू कम रहा है, इसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, कभी सेपरेट वीडियो इस पे भी हम बनाएंगे रिक्रूटर्स पे भी कि कौन से रिक्रूटर्स आपको ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली है उस पे भी। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, लेट सॉल्व, उसके बाद थॉट्स वर्क, तो मैंने मैसेज मेंशन कर दिया, इंफोसिस जैसी कंपनीज, तो ये सारी कंपनीज इस इंस्टीट्यूट में विजिट करती हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस डेटा और हिस्ट्री से कलेक्ट किया है। चलिए प्रोज एंड कॉन्स में अगर आपको बता दूं तो इस इंस्टीट्यूट का सबसे पहले मैं प्रोज अगर डिस्कस करूं तो मेरा जो है कि इसका प्लेसमेंट परसेंटेज PP, इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो काफी अच्छा है, साथ में जो इसका एवरेज पैकेज है AP एवरेज पैकेज वो काफी अच्छा है। हाईएस्ट पैकेज तो चलो 60 लाख, दैट इज वेल एंड गुड ऑफ कैंपस थी, पर एवरेज पैकेज है वो भी काफी अच्छा है। साथ में जो मैं बताऊं कि इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टीज है वो भी काफी सपोर्टिव है, उसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट इज क्वाइट गुड, डिसेंट कंपनीज विजिट करती है जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया भी। ROI ऑफ इस कॉलेज इज गुड, उसके बाद वेरियस क्लब अपॉर्चुनिटी भी ये हमें प्रोवाइड करती है टू एक्सप्लोर एंड बिकम सोशल एंड मेक कनेक्शन विद द पीपल, यानी कि इसकी क्लब अपॉर्चुनिटीज भी इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनी नेटवर्क है, इसके सबसे अच्छी बात है कि इस पे एल्यूमिनी नेटवर्क है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज भी अराउंड 90% के है, यानी कि 100 आउट ऑफ 90-95% बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जो कि एक अच्छा डेटा है। अगर कॉन्स की बात करें हम तो लोकेशन लाइक मतलब जो एरिया ये दूर नहीं है लेकिन ये विलेज साइड में थोड़ा लोकेटेड है, एक है मतलब वेरी बैड तो हम नहीं कह सकते पर ये विलेज साइड में थोड़ा लोकेटेड है। दूसरा बात क्या है कि जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो अपना मेजर फोकस क्या है, बीटेक, हम आपको ये वीडियो में बीटेक के लिए बता रहे हैं मेजरली, तो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट का थोड़ा प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो अच्छा नहीं है, यानी कि बीटेक के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज है। दूसरा क्या है कि कॉलेज इज हैविंग टू शॉर्ट एरिया, शॉर्ट एरिया होने के कारण जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी नहीं है, ये थोड़ा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ओके यहाँ पे होने वाला है। और सबसे मेजर बात, जो यहाँ पे किसी तरह का भी हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है खुद का, तो ये एक प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है जो पेरेंट्स सोचते हैं मुस्लिम केस ऑफ गर्ल्स, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि गर्ल्स के केस में थोड़े पेरेंट्स जो होते हैं वो प्राइवेसी कंसर्न को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया कि क्या है इस इंस्टीट्यूट की प्रोज, क्या है कॉन्स, साथ में मैं आपको बता देता हूं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चलो तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट। अगर आपके इंटरेस्ट का कोर्स यहां पे मिल रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट CSE में है और EE में नहीं है, और आपको इस इंस्टीट्यूट में EE मिल रहा है पर CSE नहीं मिल रहा है, तो आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले, क्योंकि आपका इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर CSE आपको इस इंस्टीट्यूट में मिल रहा है तो आप जा सकते हो इस इंस्टीट्यूट के साथ, यानी कि इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन के बेसिस पे आप कभी भी एडमिशन मत लेना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप ये मत सोचना कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये अच्छी है तो EE में मैं एडमिशन ले लूं, नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए आपका इंटरेस्ट। अगर आपके इंटरेस्ट का कोर्स वहां पे मिल रहा है तभी आपके इंटरेस्ट के ब्रांचेस मिल रहे बीटेक के अंदर, तभी आप वहां पे एडमिशन लो। दूसरा क्या है, अगर लाइक आपका स्पोर्ट्स के सेक्टर में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है
तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की वाइडर अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स के सेक्टर में ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इसका एरिया शॉर्ट है। तीसरा, अगर आपका किसी तरह का भी प्राइवेसी कंसर्न है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ प्राइवेसी कंसर्न है थोड़ा भी, तो आप नहीं जाओ, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं है। अगर हॉस्टल के बेसिस पे आप थोड़ा अपना प्राइवेसी कंसर्न को देख रहे हो तो आप मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपको किसी तरह का और भी क्वेरी है, आपके पास किसी तरह का और डाउट है किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर लो। मेल मेंशन कर रखा है हमने, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है, हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो हम सेपरेट और भी वीडियोज बनाने वाले हैं प्लेसमेंट रिगार्डिंग सेपरेट वीडियोज और भी इंस्टीट्यूट पे, तो आपको उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, थैंक यू।